अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा अवसर है जो महिलाओं के योगदान को समर्थन और सम्मान देने के लिए समर्पित है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन द्वारा इनर व्हील साइने लाइट के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नारी शक्ति स्पार्क संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल इनर व्हील की पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर कपिला गुप्ता, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षा और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स की वरिष्ठ उपाध्यक्षा विनीता सेठी, मेरिटेक्स वेंचर्स की संस्थापक नेहा मल्होत्रा, देश की पहली महिला एयर मार्शल पद्मश्री बंदोपाध्याय, इनर व्हील दिल्ली राइजिंग स्टार डिस्ट्रिक्ट 301 की प्रेसिडेंट नीलम मिश्रा सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उद्योगों में लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण, हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बता दें कि मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में महिलाओं की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है, जिनके बिना एक विकसित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सह संस्थापक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी अतिथियों का स्वागत और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद किया। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की चेयरपर्सन उर्वशी मित्तल ने अपने भाषण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर 100,000 HPV स्क्रीनिंग की घोषणा की, जिसका लक्ष्य जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचना है और उनकी जांच करना है, जिससे HPV से संबंधित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व सफलता मिल सके। इसमें देश की प्रगति में महिलाओं के अमूल्य योगदान को पहचानने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जानने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से 500 से अधिक स्किल्ड महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने, चुनौतियों का समाधान करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम इंस्पायरिंग इंक्लूजन अर्थात महिलाओं की आवाज को बुलंद करना, आपसी संबंधों को बढ़ावा देना और सकारात्मक परिवर्तन को उजागर करना है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम का संचालक मोनिका अरोड़ा ने बड़े ही कुशलता पूर्वक किया। लेकिन ये जो मेट्रो सिटी है, जो भी दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, यहाँ तो लोग महिला वैसे ही सशक्तिकरण में जागरूक है। इस तरह का कार्यक्रम सिर्फ मेट्रो सिटी में करके क्या गांव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। और मेडिवेस फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन है और इनर व्हील के साथ जुड़ गया है। और इनर व्हील का जो मोटो है, महिलाओं के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना होता है। और हम सब लोग हाउस वाइफ हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा लगता। और हमने अभी 21 हेल्थ कैंप लगाए हैं, जो कि अनुराग जी के साथ 7 कैंप हैं जो कैंसर के ऊपर हैं हम लोगों ने किया है। और जो जो हम लोगों ने, अनुराग जी ने जो भी बोला था ली मेरिडियन में, वो ही सारा कुछ सरकार ने बोला तो बहुत अच्छा है। वैक्सीन के ऊपर बोला तो वैक्सीन आई, तो इतना जो हम लोग काम करते हैं वो जरूर आता है। और लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, हम ये कहते हैं अपने आप को प्यार करो। हम हमेशा कहते हैं हम अपने फेवरेट हैं, हम इसलिए खुश हैं क्योंकि अपनी फेवरेट हैं। हम हमेशा क्यों अबला माने अपने आप को, हम सब कुछ हैं। हम यही मानते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले अपने आप को अच्छी तरह पढ़ाई लिखी करो, स्किल डेवलप करो, देन वर्क, डोंट सिट एट होम एंड जस्ट वेस्ट योर टाइम। बट वन थिंग ऑल्सो, बच्चों को देखना बहुत बड़ी काम है। ये नहीं कि इट्स यूजलेस जॉब नहीं है, पीपल मे मेक फन ऑफ यू बट यू मेक गुड चिल्ड्रन, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बट इफ यू कैन डू वी कैन नॉट सिट एट होम। 50% आर फीमेल, सो वी हैव टू वर्क, दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन ऑल्सो। वील डू एंड वील ऑल्सो फील बेटर। सो गेट एजुकेटेड, गेट स्किल एंड कॉन्ट्रीब्यूट, डोंट जस्ट सिट एट होम एंड गप मत मारो। दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, वॉट एवर यू कैन डू, वॉट एवर एनी, इट्स नॉट दैट एवरीबडी शुड डू दिस और दैट, एनीथिंग, वॉट एवर योर स्किल, डू इट योर बेस्ट। और किसी को भी कोई लड्डू मुफ्त में नहीं मिलता। वो सोच है अरे उसका ये है इसलिए हुआ, नहीं नहीं नहीं, अभी आप लोग बहुत अच्छे हो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, उसका आप यूज करो। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल लाइक व्हाट वी स्ट्रगल, इट वाज टेरिबल। माय ओन फैमिली समझ नहीं सकोगे, जब मैं फौज में ज्वाइन किया, हमारा घर वालों को 5 साल तक किसी नारी शक्ति का प्रारूप है तो हम ऐसा नहीं कह सकते। दरअसल मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम है मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन। और मेडिवेस हेल्थ फाउंडेशन जो है महिलाओं के स्वास्थ्य पे काम करती है। हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को इंडिया में प्रमोट करते हैं और हमारा मेजर जो काम है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। सशक्तिकरण
अगर आप बात करेंगे तो महिलाएं भारत में हमेशा से शक्ति का स्वरूप रही हैं और उनको हम शक्ति के स्वरूप में ही पूजते आए हैं। तो ये कहना तो एक मिथक है कि महिलाओं को हम वो ऑलरेडी संपन्न है, हम उन्हें करें और संपन्न हो, इसका मतलब है वो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हम उनको प्रिविलेज करना चाहते हैं, बिकॉज जिस जगह पे नारी का सम्मान है वहीं पे बरकत है। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। तो आज एक सम्मान का दिन था जिसमें हमने महिलाओं को इनवाइट किया और उन महिलाओं के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। जो संस्था क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य करती है? हाँ जी, हमारी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करती है और बेसिकली हम गरीब महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। संस्था में हमारा जो मेजर फोकस है वो महिलाओं के स्वास्थ्य का ही है, उसके अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। किस तरीके से उनके स्वास्थ्य पे काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, पॉलिसी एडवोकेसी में महिलाओं के स्वास्थ्य को किस तरीके से सर्वप्रथम रखा जाए, हमारा जो सारा काम इससे संबंधित है।